नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टाफ नर्स की एक नई वैकेंसी की अपडेट को लेकर। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट आप इसी प्रकार सबसे पहले ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों को बता दें कि मध्य प्रदेश के द्वारा स्टाफ नर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली गई और वैकेंसी काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा साथियों को बता दें कि राजस्थान में भी 1289 पदों पर परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर की, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप राजस्थान से हैं तो। चलिए साथियों, अब डिस्कस करते हैं जो एमपी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आज जारी किया गया साइट पर उसके रिगार्डिंग। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं, और बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो वैकेंसी यहां पर एमपी के द्वारा निकाली गई स्टाफ नर्स की, वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड साथियों रहने वाला है वो 31 मार्च 2023 तक रहने वाला है, लेकिन इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है यहां पर कि जैसे जैसे इसको स्वीकृति मिलती जाएगी आपका जो टाइम पीरियड है कॉन्ट्रेक्चुअल का वो बढ़ता जाएगा। इसके अलावा साथियों को बता दें कि यहाँ पर जो स्टाफ नर्स के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर 2056 जो पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं। पर मंथ सैलरी आपको 20,000 रुपये मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपने की भी हो, इसके अलावा अगर आपने जीएनएम कर रखी है, सीनियर मिडवाइफरी कर रखा है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों 10+2 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से की होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। साथियों अगर अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12वीं पास नहीं करते तो अपन बीएससी नर्सिंग कैसे करते। इसके अलावा साथियों बता दें कि एमपी में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल के अंदर। इसके अलावा साथियों फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमें तो लगता है कि एम्स के द्वारा जो 80/20 रिजर्वेशन लागू किया गया है उससे भी ज़्यादा खतरनाक रिजर्वेशन यहाँ इस भर्ती में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2056 पोस्ट हैं। अगर 80/20 की अगर बात करें तो साथियों 228 पोस्ट ही आपके खाते में नहीं आनी चाहिए थी, ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन चलिए यहाँ पर जो भी है स्टेट का मामला है, इसमें तो अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छी पोस्ट हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए केवल 228 पोस्ट निकाली गई हैं। सैलरी आपको सेम मिलेगी, 20,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन भी सेम ही रखी गई है साथियों, बीएससी नर्सिंग आपने की भी हो, लेकिन आप एक बात पर ज़रा सा गौर कीजिएगा साथियों, फीमेल के लिए कहा गया है कि आपने जीएनएम की हुई हो तो भी चलेगा, लेकिन मेल के लिए कहा है कि केवल बीएससी नर्सिंग चलेगा, एक बार आप गौर फरमाइएगा। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश जो नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 21 से 43 साल अधिकतम हो सकती है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा हो सकती है। अब डिस्कस करने वाले हैं कि आवेदन कब तक करना होगा और एग्ज़ाम होगा या फिर कैसे सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों आपको बता दें कि आपको जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन ही करना है, सेम्स की वेबसाइट्स पर आपको करना है। जैसे ही इसके आवेदन चालू होंगे हम आपको सबसे पहला अपडेट कर देंगे। आवेदन है वो 25 नवंबर 2022 से शुरू हो जाएंगे और 22 दिसंबर 2022 तक आपको ये आवेदन कर देने हैं। बहुत ही अच्छी डेट है 22/12/22 साथियों। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा साथियों को बता दें कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशंस यहाँ पर दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पर पोस्ट रखी गई हैं, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर रखा है। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। जब भी इसका डिटेल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा साथियों, हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद साथियों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।